السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصلي على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك، وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. एक काबा इंसानों का नीचे है और इसी के ऊपर अर्श पे एक और काबा है जिसको बैतुल मामूर कहते हैं, फरिश्तों का काबा है। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ ले गए तो सब आसमानों पे अंबिया ने आपका इस्तकबाल किया, सब आसमानों पे। तो वो बैतुल मामूर पे जब गए तो एक बाबा जी बैठे हुए थे टेक लगा के, और उन्होंने मेरे आका मदीने वाले का इस्तकबाल किया। तो जिब्रील ने बताया कि ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेरे मदीने वाले के जद अमजद थे, दादा परदादा उनके दादा परदादा बड़ों में से थे। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानियां हैं, जितना बड़ा कोई फ़र्द होता है, उस पर आजमाइशें बाज़ोकात उतनी आती हैं, और जितना बड़ा मनसब और ओहदा होता है उतनी उसके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत अजीम हस्ती, और उन पे आजमाइशें भी उतनी आई, और बहुत ज्यादा आजमाइशें आई, लेकिन उन्होंने हर आजमाइश को अल्लाह का हुक्म और रब की रजा समझ के ऐसा कर दिया और इतना अच्छे अंदाज से उस आजमाइश और इम्तिहान से निकले कि खुद वो आजमाइश इम्तिहान मखलूक खुदा के लिए एक निशानी बन गए, और क्यामत तक के लिए वो शायर अल्लाह की निशानियां, वो इतनी अजीम चीजें बन गई। हजरत हाजरा बेटे के लिए जहां दौड़ी हैं वो सफ़ा मरवा है, एक तरफ सफ़ा का क्या पहाड़, दूसरा मरवा का पहाड़, उस जगह के दौड़ने को लाजिम करार दे दिया गया। ये बुनियाद भी नस्बत इब्राहिमी की वजह से थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बच्चे को अल्लाह के हुक्म से छोड़ कर गए थे, और बाप खड़े होके वालिद खड़े होके पत्थरों को जोड़ते थे, बेटा पत्थर देता था, और रब का निज़ाम देखें, अल्लाह ने एक पत्थर दिया था जो खुद ब खुद ऊपर होता जाता था, उसके ऊपर दूसरे को स्टैंड बनाना और कुछ और चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं थी। और आज भी वही पत्थर मौजूद है जिसको मकाम इब्राहिम कहते हैं, आज भी वही पत्थर मौजूद है, और वो जबल काबा है सामने, जबल काबा जहाँ से वो पत्थर उठाए गए थे उसका नाम जबले काबा है। और वो कुर्बानी, अगली कुर्बानी निस्बत इब्राहिमी की वजह से, वो जमजम की कुर्बानी है, और कुर्बानी के बाद जमजम की नेमत का मिलना है। निस्बत इब्राहिमी से काबे का मिलना, निस्बत इब्राहिमी से मकाम इब्राहिम का मिलना, और निस्बत इब्राहिमी से जमजम का मिलना, के आपका काम एड़ियां रगड़ना है, हाँ एड़ियां रगड़ना जरूरी है, कोई भी जमजम एड़ियां रगड़े बगैर नहीं मिला, इस छोटे से लफ्ज को याद रखिएगा हमेशा, कोई भी जमजम एड़ियां रगड़े बगैर नहीं मिलेगा, ना मिला है, हर जमजम के लिए एड़ियां रगड़नी पड़ेंगी, चाहे वो थोड़ी या ज्यादा, यानी कुर्बानी, मेहनत
करनी पड़ेगी, कुर्बानी और मेहनत करनी पड़ेगी। तेरा काम एड़ियां रगड़ना। जिब्रील आए, उन्होंने पर मारा और अल्लाह के अमर से पत्थर के अंदर से चश्मा निकला, और वो चश्मा कभी खत्म नहीं होगा। वो चश्मा अल्लाह के दो नामों से निकल रहा, एक नाम हमीद है, एक नाम मजीद है, और ये दरूद इब्राहिमी में मौजूद है। दो चश्मे हैं। एक मिनट में 43,000 लीटर पानी निकलता है, 43 एक मिनट में जमजम के कुएं में। आज तक उसमें काई, फफूंद, कीड़े नहीं पड़े आज तक। वो जैसे पहले दिन से शफाफ और साफ था, वैसे पहले दिन से, और जितना पानी खींचते हैं उससे कहीं ज़्यादा पानी और निकल आता है। और फिर ये नहीं है कि पानी का एक जोर है कि पानी बाहर निकल आता है, पानी अपने तवाज़न पे रहता है, फिर निकालो फिर और निकल आता है। ये सारी नेमतें जमा होके सीरत इब्राहिमी बनी, और सीरत इब्राहिमी जमा होके एक नेमत बनी, वो दरूद इब्राहिमी बना। मैंने हजरत इब्राहिम की जिंदगी को मुख्तसर किया है। फलस्तीन से बच्चे को लेके निकले हैं, 3 रातों का सफर किया है, और मीना की वादी पे आए हैं, और बच्चे को कहा है, छोटा सा मासूम बच्चा, एक रिवायत में 6-7 साल, कुछ में 8-9 साल, बस इससे ज़्यादा नहीं, कि बेटा अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैंने तुम्हें अपने हाथों से तेरी गर्दन उतारनी है। बेटा कहता है कि अब्बा जी आप देर ना करें, अब देर ना करें, बस आप इस अमल को कर गुजरें, बस इतना है, ये मेरी कमीज उतार ले और ये मेरी अम्मा को दे देना। बड़े चाह से पाला है, बुढ़ापे की औलाद है, बुढ़ापे की 70-80 साल के बाद बच्चा हुआ है, अम्मा को दे दीजिएगा। और अम्मा इसको देख के अपना गम बहला लेगी, अम्मा रोएगी, और अब्बा जी एक दरख्वास्त है, मेरा चेहरा अपने चेहरे की तरफ ना कीजिएगा, कहीं आँखों से आँखें मिलें और मोहब्बतें जाग उठें और रब का हुक्म टल जाए, मुझे ऊंधा कर दीजिए और देखें मेरे हाथ पांव बांध दें, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथ और पांव हरकत करें, मैं तड़पूं और अल्लाह का अमर ना चूक जाए। क्या बच्चा था और क्या बाप था। एक है तबीयत और एक है शरीयत। अब तबीयत सारी खत्म हो रही है और शरीयत गालिब आ रही है। हमने अगर एक महीना अपनी तबीयत को ना छोड़ा तो उन्होंने तो जिंदगी में सब कुछ यही छोड़ दिया था कि मेरी तस्बीह खाने में आते हुए भी मैं अपने मिजाज से चला और तस्बीह खाने में भी आके अपनी तबीयत से चला। और एक तरफ ये कुर्बानी के अंदाज देखें कि मेरा सर नीचे कर गए, कहीं आंखों से आंखें ना टकराएं, और ये मेरी कमीज मेरी अम्मा को दे दें, वो निशानी होगी। और अब्बा जी अपने हुक्म में अल्लाह ने जो दी है उसमें अब देर ना कीजिएगा। और बाप ने बेटे को लिटाया है और चश्मे फलक देखा, फरिश्तों में कोहराम है अर्श पे, और घुटना उसके ऊपर रखा और उसके बालों से पकड़ा और ऐसे अर्श पे देखा, मौला अगर तू इस हाल पे राजी है तो इब्राहिम भी राजी है। और देखा और छुरी चला दी, बस, और छुरी को तेज किया और छुरी गर्दन पे चला दी, खून का एक फवारा उठा। और थोड़ी देर के बाद देखा तो इस्माइल यहां खड़े हैं, क्यों, उस कुर्बानी की पुश्त से मोहम्मद ने आना है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाँ,
सारे इसहाक अलैहिस्सलाम से बनी इसराइल आए हैं। बनी इसराइल के हज़ारों अंबिया तशरीफ़ लाए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्बत को मेरे रब ने महफूज रखा है एक अजीम हस्ती को लाने के लिए जिनका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नस्बत को महफूज रखा है, हस्ब को महफूज रखा, नस्ब को उनकी पुश्त से चला। खून का जब फंवारा उठा तो यकीनी बात थी, देखा तो वहां तो बेटा नहीं है और बेटा साथ खड़ा है और मेंढा मौजूद है और वह ज़बह हो गया। अब कहेंगे ये काम कैसे, खुद मेरे साथ एक वाक्य ऐसा हुआ है, आज तक मुझे पता नहीं क्या हुआ और मैं भी खून से रंगीन था। मैं एक टाइम चलता था फोर्ट आबाद से सात का बाद, मैंने हासिलपुर से बैठना था उस टाइम पे, वो रात के तकरीबन 12:30 बजे पहुंचता था और मैंने आगे अहमदपुर से किया उतरना था। दोस्त अहबाब छोड़ने आए, उस बस में मैं गया तो मुझे उन्होंने सीट मिल गई, मैं बैठ गया। डिम लाइटें चल रही थी और बहुत स्मूथ बस चल रही थी, उसमें म्यूज़िक मौसीकी चल रही थी। मेरी तीन तस्बीहात रहती थी, मुझे याद है मैं उस वक्त इस्तिग़फ़ार की तस्बीह कर रहा था, शायद मैंने ये वाक्य पहले भी सुना है। मैंने तीसरा कलमा दरूद शरीफ इस्तिग़फ़ार, मैं उस वक्त इस्तिग़फ़ार की तस्बीह कर रहा था, मैंने कहा तस्बीहात पूरी हो जाए, मुझे कुछ एहसास हुआ उसके बाद पता नहीं है। मैंने देखा तो मैं बस के बाहर खड़ा था, बस उलट चुकी थी, कोहराम मचा हुआ था, मौसीकी वैसे चल रही थी, लाइटें जो डिम लाइटें हैं हल्की सी वो चल रही थी और आगे बाज़ लाइटें होती हैं जो जलती बुझती हैं वो चल रही थी, और मैं वाहिद आदमी था जो बाहर खड़ा था। मैंने सफ़ेद लिबास पहना हुआ था, मेरा यह हिस्सा सारा खून से भरा हुआ था, लेकिन बाद में एहसास हुआ वो खून नहीं था, वो कोई केचप की बोतल थी। कहाँ से टूटी, कैसे लगी, मुझे किसने बाहर बिठाया, वल्लाह मुझे कोई खबर नहीं, कोई खबर नहीं। और फिर उसके बाद एहसास हुआ मैं तो अकेला बाहर मौजूद हूँ और बाकी तो सारे अंदर हैं। फिर लोगों को निकाला, वो कौन सी ताकत थी जिसमें पल भर में उठा के तारिक को बस के बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। कोई खराश नहीं आई सिवाय मेरा लिबास खराब हुआ कैचअप से जो धुल गया। वही रब है, छुरी चलाई अमर समझ के और एक पैगाम दिया, सुन लेना जरा गौर से, कि क्यामत तक आने वालों मैं कुर्बानी मांगता हूं लेता नहीं हूं, मैं कुर्बानी मांगता हूं लेता नहीं हूं, और जो शख्स क्यामत तक इस दरूद को पढ़ता रहेगा वो सारी इब्राहिम की कुर्बानियां और इब्राहिम की कुर्बानियों के ऊपर मिलने वाला अजर, हर कुर्बानी पे अजर, रब कितना खुश हुआ होगा कि मेरी अमर की खातिर इसने अपने उस बेटे पे छुरी चलाई जिसको 80 साल मांगते 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 70 साल 80 साल बाज़ रिवायत में 90 साल के बाद मिला, मांगते मांगते उस पे उस वक्त रब की रहमत कितनी आई होगी। और कितनी ये खुशी तो है कि हर हाजी के लिए कुर्बानी लाजिम करार दी कि हज पे जाओ तो कुर्बानी भी करो, उस खुशी पे है। दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले शख्स को वो रहमतें मिलेंगी सबसे पहले जो कुर्बानी पे मिली थी, और दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले को वो बरकतें अल्लाह की मददें मिलेंगी जो सात कंकरियां मार के शैतान ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक जगह बहकाया, पता है अब्बा कहाँ ले जा रहा, छुरी फेरेगा, फिर आगे आके बहकाया, वसवसे डाले, फिर तीसरी जगह, तीन जगह आके वसवसे डाले और तीनों जगहों पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कंकरियां मारी शैतान को, उन कंकरियों की जगह पे दुआएं कबूल होती हैं, घंटों दुआएं मांगने वाले मौजूद हैं और वहाँ हुक्म है कि वहाँ कंकरियां मार के एक तरफ खड़े होके दुआएं मांगो और वहाँ दुआएं कबूल होती हैं।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस अदा पे सूरत दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले को वो बरकत भी मिल जाएगी, वो कबूलियत भी मिल जाएगी, और वो खैर भी दरूद इब्राहिमी में अल्लाह ने रख दी है। हर मुजाहदे पे रहमत उतरती है, हर कुर्बानी पे अल्लाह की मोहब्बत और मगफरत उतरती है, याद रखिए, हर कुर्बानी पे। और दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले को वो रहमत और मगफरत बेबहा मिल जाती है। और अगला वादा और अगली बरकत, काबा को महवर बना दिया और जब कह दिया कि रब्बना तकबल मिन्ना, मौला बस तो कबूल कर ले, ये इस बात की दलील है काबे जैसी इमारत, काबे जैसी नेमत बना के भी डरना कि मौला तेरी मेहरबानी है, बस कबूल ही कर ले। और हम अगर तस्बीह खाने में किसी निस्बत, किसी खिदमत, किसी इबादत की निस्बत में अल्लाह ने जोड़ा है तो खिदमत इबादत करके अतराए नहीं बल्कि डर जाए कि रब्बना तकबल मिन्ना, बस कबूल फरमा ले। जो अगर कबूल हो गया तो यार फरीद कबूल करे, सुल्तान भी तू सरकार भी तू, मौला अगर कबूल हो जाए बस मेरे लिए सआदत है, वरना मैं नहीं होगा तो करने वाले और कई आ जाएंगे, और कई आ जाएंगे, कबूल कर ले। ये इस बात की दलील है और दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले को तामीर काबा की बरकात हासिल होंगी और दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले को काबा के गिर जो तवाफ हो रहा होगा हुआ उसकी जो बरकात हैं वो हासिल होंगी और काबा में सबसे ज़्यादा सवाब 120 ने किए हैं, इसमें काबा को देखने वाले को भी सवाब है, सबसे ज़्यादा सवाब तवाफ करने वालों को है और दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले को उस तवाफ का यहां बैठे सवाब मिल रहा है, यहां बैठे दुनिया की किसी कोने में सवाब पा रहा दरूद इब्राहिमी, दुनिया के किसी कोने में दरूद इब्राहिमी का सवाब, दरूद इब्राहिमी में वो सवाब पा रहा, कुर्बानी का सवाब, कंकरियां मारने का सवाब, तवाफ का सवाब, तवाफ का सवाब, और जमजम की जो बरकात के चश्मा है और जमजम ने जितने लोगों को सैराब किया और करेगा, जितने लोगों को जमजम ने सैराब किया और जमजम से जितने लोग क्यामत तक प्यासे प्यास बुझाएंगे, ये निस्बत इब्राहिमी से जमजम मिला है और दुरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले को ये भी सवाब मिलता जाएगा। हर वो दुरूद सुन लीजिएगा जो हदीस से साबित है, अफजल है, आला है, अरफा है, लेकिन दरूद इब्राहिमी सबसे आला और अरफा है। दरूद इब्राहिमी इसलिए इसका इंतखाब खुद नमाज के अंदर किया गया है, अत्तहियात नमाज के अंदर है, इसका इंतखाब किया गया है, आले इब्राहिम, आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, कि जो जो लफ्ज है ना दरूद इब्राहिमी में, एक हमीद है, एक मजीद है, या हमीद हो या मजीद, जो बंदा इन लफ्जों को सिर्फ एक तस्बीह इस अंदाज से पढ़े, किस अंदाज से, वो अंदाज मैं दोहरा रहा हूँ, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, जब हमीद और मजीद पहुंचे तो फिर इसको एक तस्बीह पढ़े और ध्यान से फिर आगे दरूद शुरू करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम इन्नका, यानी दरूद इब्राहिम हमीद और मजीद दो दफा आते हैं ना, दो दफा आते हैं, उसको फिर एक तस्बीह पढ़े, एक दफा दरूद पढ़े फिर सुन लीजिए और इन दो लफ्जों की तस्बीह करें, फिर अगला दरूद का दूसरा हिस्सा शुरू करें तो इन दो अल्लाह के मुबारक नामों की तस्बीह करें। आप समझ गए मेरे, दो मुबारक नामों की तस्बीह करें। जो बंदा सिर्फ एक दफा दरूद पाक पढ़े सुबह शाम और हर हमीद मजीद पे एक तस्बीह या 100 दानों वाली करे, अल्लाह जल्ला शान हो उस दिन उसकी वो मुरादें पूरी करेंगे जो शायद आलम में किसी की पूरी ना हुई हो।
बज़ाहिर उसको नज़र आए या ना आए। और दुरूद इब्राहिमी में सबसे बड़ी हिफाजत, मेरे पास एक साहब आते हैं, अब भी आते हैं, उन्होंने कोई ऐसे चिल्ले किए करवाने वाले, पता है क्या होता है बाज़ों का, किताबों से देख के इजाज़त दे देते हैं, करो हम तुम्हारी निगरानी करेंगे। बुनियादी तौर पे वो निगरानी नहीं होती, तजर्बा कर रहे होते हैं उसी बंदे पे, उसी बंदे पे। बाज़ औक़ात उसी बंदे पे तजर्बा कर रहे होते हैं। हो गया हो गया, उल्टा पड़ गया तो उसी पे पड़ गया, हमारा क्या। ये केस मेरे पास बेशुमार आते हैं और बहुत आते हैं। एक साहब आए, उसने कि जी हमजाद का अमल है, हमजाद तेरे ताबे हो जाएगा और मैं तेरी निगरानी करूंगा, इस तरह कर इस तरह कर। एक बड़ा चिराग जला, फिर उसकी बत्ती होगी, फिर तेरा साया होगा, उस साये को देख के ये कर। फिर कुछ अरसे के बाद खुद साया बोलेगा, जी आका क्या हुक्म है, फिर अलादीन का चिराग होगा, फिर तो यूं हो जाएगा और यूं हो जाएगा। वो बेचारा मुशक्क़त में लगा रहा लगा रहा। कुछ ही अरसे के बाद उसके घर में हादसात होना शुरू हुए, परेशानियां शुरू हो गईं और मुआशी निज़ाम ख़त्म, घर, रिज़्क, सेहत, बरकत, खैर, हर चीज़ उस बेचारे से दूर होना शुरू हो गई और मसाइल मुश्किलात करीब, हालात बहुत ज़्यादा बदतरीन हो गए। आखिरकार उसने अमल छोड़ दिया और वो छोड़ना और ज्यादा नुकसानदेह बन गया। अब इधर उधर भाग भाग के जो बाकी घर का सरमाया बचा था वो भी तू मैंने ले लिया कि तेरा ये तोड़ करते हैं तो यूं हो जाएगा, तो ये करते हैं वो हो जाएगा। और घर का रहा सा जो रोटी बची थी घर ही, वो रोटी भी गई। मेरे पास आए, ऐसे ऐसे बताए कि जी मेरे ऊपर जादू है, इस तरह है, इस तरह है। मैं कोई कामिल कामिल तो नहीं हूँ, मैंने कहा मुझे एहसास यह है कि तेरे पर ना जादू है ना जिन्नात है, कोई अमल का, कोई अमल के रिजात है, कोई अमल ऐसा है जो तेरे ऊपर उसका असर है और उस अमल के जो मौक्कलात हैं वो तेरे वैरी और दुश्मन हैं, कोई तूने अमल किया। फिर वो बोला, उसने कहा जी मैंने ये अमल किया। मैंने कहा कि मेरी ज़िंदगी के मुशाहदात में मेरे शेख ने मुझे बताया था और मैंने बेशुमार लोगों को ये अमल बताया जिनको किसी अमल की रिज्जत हो और अमल उन पे जैसे कहते हैं उल्टा पड़ गया हो, वो फिर वो सारे अमल छोड़ के सिवाय फ़राइज़ के और वाजिबात के, फ़र्ज और वाजिब, फिर उनसे सब अमल छुड़वा दिए जाते हैं क्योंकि फ़र्ज़ और वाजिब ये छोड़ नहीं सकते, ये तो लाजिम है, फ़र्ज और वाजिब और सुन्नत मौक्कदा, उनको बाकी उसके अलावा सब कुछ छुड़वा दिया जाता है। फ़राइज़ नहीं छुड़वाए जाते, वाजिब नहीं छुड़वाए जाते और सुन्नत मौक्कदा कह दिया जाता है कि इसके अलावा सारा दिन वह दुरूद इब्राहिमी पढ़े, सैकड़ों हज़ारों लाखों दुरूद इब्राहिमी पढ़े। मैंने उसको ये अर्ज़ किया, मैंने कहा देखो बहुत जगह थक हार के फिर फिरा के आ गए हो, अब मेरी मान के चलो जैसे कहूँ और दुरूद इब्राहिमी पढ़ो। और उसने दुरूद इब्राहिमी पढ़ा और मैंने कहा खूब घोटा लगाओ और दिल जान से दिन रात और हद से ज़्यादा इसको पढ़ाओ। वो दुरूद इब्राहिमी पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया और उसके हालात संवरते गए। पूरा 1.5 साल मैंने उसको दुरूद इब्राहिमी पढ़वाया। केस इतना ख़तरनाक था आप गुमान नहीं कर सकते, बहुत ख़तरनाक केस था। और अल्लाह के फजल से दुरूद इब्राहिमी पढ़ते 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 उसके हालात इतने बेहतरीन हैं इस वक्त, रब ने रिस्क, वसत, बरकत, सेहत, खैर, आफियत और गैबी निज़ाम। लेकिन मैंने कहा कि एक वक्त लगेगा ये जब टूटेगा। उसकी मिसाल ये दी, मेरी तरफ देखिएगा, वो ये दी कि एक तरफ 5 किलो है और दूसरी तरफ 2 किलो है। 2 किलो है तो सही, लेकिन 5 किलो उसको मानता नहीं है, क्या ख्याल है? ठीक है, 2 किलो वजन तो है लेकिन 5 किलो कहते तेरी क्या हैसियत है? अच्छा 5 किलो, 2 किलो को हमने 3 किलो कर दिया, फिर भी 5 किलो नहीं मानता,
तीन से चार किलो कर दिया फिर भी पांच किलो नहीं मानता, चार से जब पांच में है फिर पांच किलो हिला है और फिर बराबर हुआ है, अब भी बराबर है, अब यहां साढ़े पांच होगा तो ये जाके झुकेगा। बाज़ुकत हमारे वज़ाइफ तस्बीहात ऐसे ही होते हैं, काम कर रहे होते हैं हम, मतलूबा तवज्जो, मतलूबा ध्यान, मतलूबा मिकदार और मतलूबा हिम्मत और मेहनत नहीं कर रहे, वो आधा काम हो जाता है और उसके अंदर वो तासीर नहीं होती जो होनी चाहिए। वो मतलूबा मिकदार जो है वो हम नहीं देते या मतलूबा औकात नहीं देते और जल्दी में होते हैं, जल्दी में हो जाए और जल्दी में फिर ये होता है कि इंसान जो है अमल अधूरा छोड़ के बैठ जाता है और बाज़ुकात अधूरे अमल के छोड़ने में वही कैफियत होती जो उस फर्द के साथ हुई थी। एक साहब 71 की जंग में थे, कहने लगे हम बांग्लादेश में थे और हमारे ऊपर गोलियां चल रही थी, मैं उस वक्त अपनी वर्दी जितने मेरे थे वर्दी में सिपाही मैं उन सब का बड़ा था और मैंने उनसे कहा कि बस कुछ ना करो अब दरूद इब्राहिमी पढ़ो, और दरूद इब्राहिमी पढ़ा और बहुत तवज्जो से पढ़ा, कहा कि हमने आंखों से देखा कि गोलियां दाएं बाएं से गुजर रही हैं लेकिन हमारे एक किसी फर्द को गोली ने नहीं छुआ कि हमारे साथ दरूद इब्राहिमी की ताकत थे। अगला वाक्या सुनिए। अच्छा, वो जो जिनके ऊपर रज्जत का अमल था वो तो मैंने बताया, दरूद इब्राहिमी पढ़ा उन्होंने, एक साल से ज्यादा सवा साल अल्लाह के फजल से ठीक हो गया। अगला वाक्या, हमेशा कोई भी सिर्फ जो भी जिन जो है शैतानी जिन वो दरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकता, सालेहीन पढ़ते हैं, इंसान भी जिन्नात भी, नेक जिन्नात पढ़ेंगे पढ़ते हैं, लेकिन बद जिन्नात, जैसे मैं एक बात अक्सर अर्ज किया करता हूँ वो ये है कि हर बेरी के दरख्त पे जिन्नात का कयाम लाजिम है, हर बेरी के दरख्त पे, लेकिन हमेशा नेक जिन्नात रहेंगे, सिदरा बेरी का दरख्त है, हमेशा नेक जिन्नात रहेंगे, बदकार जिन्नात नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। इसी तरह दरूद इब्राहिमी कभी भी शरीर जिन्नात नहीं पढ़ सकेंगे। मेरे पास एक साहब आए, मुझे कहने लगे कि हमारे घर में जिन्नात हैं, मैं कोई वजीफा पढ़ता हूं ना तो अब तो मेरा वजीफों से यकीन खत्म हो गया है, मैं कहीं काफिर ना हो जाऊं और बेदीन ना हो जाऊं, मुझे बचा दें और मुझे कोई वजीफा ना दें, मैंने सुना है आप दुआ करते हैं और आप तो हो जाता है, उसका यकीन था पता नहीं। अच्छा, मैंने कहा मैं कोई वजीफा नहीं दूंगा, दुरूद पाक सिर्फ पढ़ लिया करो इब्राहिमी खुदा, बस कोई वजीफा नहीं देता। कुछ अरसे के बाद मेरे पास आए, मुझसे कहने लगे जब मैंने दरूद पाक पढ़ना शुरू किया वो जिन मुझे नजर आते थे मेरे सामने आके खुद दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया, कहने लगे उससे कह दो जब तारिक ने तुम्हें बताया, उन्होंने कहा हम भी दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, उससे कहो इसका कोई और हल करे, यह हमें आता है। मैंने कहा भाई अगर दरूद इब्राहिमी उन्हें आते हैं तो कहानी कोई और है, फिर कोई कहानी और है, अगर उन्हें दरूद इब्राहिमी आता है, और वाकई तो कह रहे हैं कि वो दरूद इब्राहिमी तेरे सामने बैठ के पढ़ रहे थे, फिर दास्तान कोई और है, वो शरीर जिन्नात, खबीस जिन्नात, बदकार जिन्नात, काले और चूड़े जिन्नात नहीं है, उनके पीछे हिस्ट्री कोई और है। मैंने कहा फिर उसका तरीका ही मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू करो वो आ जाएंगे, करे जब मैं पढ़ना शुरू करता हूँ सामने आके पढ़ना शुरू कर देते हैं, कहने लगे दरूद इब्राहिमी पढ़ो, मैंने कहा उसका पढ़ो 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 इतना पढ़ो वो खुद बोलेंगे, और जब ये कहे ना कि तुम जितना पढ़ना है पढ़ लो, उनसे कहना हमसे जो खता हुई है उसकी माफ़ी चाहते हैं, तारिक ने यह बात कही थी हकीम तारिक ने कि हमसे जो खता हुई है उसकी माफ़ी चाहते हैं, आप माफ़ कर दें, हम उसका इजाला करेंगे, वो भूलेंगे तुम्हें बताएंगे, क्योंकि वो सालेहीन है, वो बदकार नहीं है, खबीस नहीं है।
शरीर नहीं है, वो नेक है। मेरे पास आए आए, उन्हें कहे जी वो खुद साथ आए हैं। वो कहते हैं हम खुद तारिक से बात करेंगे, तुम्हें नहीं, तुमसे नहीं करते। मैंने कहा जिन तो मेरे ताबे हैं ही नहीं, ना मैंने कोई दावे किए हैं। उसने कहा जी उन्होंने ये कहा है कि मैं दरूद इब्राहिमी पढ़ूंगा, वो आ जाएंगे, फिर हकीम तारिक से बात करें। उन्होंने दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू किया, उसके बाद उसकी आवाज़, उसकी कैफियत बदल गई। मैंने महसूस किया, मैंने उनसे सलाम किया, कोई अहवाल पूछे तो मैंने कहा इनसे कोई ख़ता हुई है तो आप मेहरबानी करें, मैं इनकी तरफ से मिन्नत भी करता हूँ, माजरत भी करता हूँ। कहने लगे नहीं, हमें तो आपकी मुलाकात का बहुत ज़्यादा इश्तियाक था, हम इनके घर में रहते हैं और हमारे ये अमाल तस्बीहात में मौसीकी के नाम पे खलल डालते हैं। इनके मोबाइल की मौसीकी, इनके घर में मौसीकी, इनके टीवी की मौसीकी, इनके घर में मुझे हम खलल डालते हैं। अगर घर में गंदगी है, सफाई नहीं है, सलीका नहीं है, हमें तकलीफ होती है। ऐसे मैंने कह दिया, मैंने कहा तो आप ही जगह छोड़ के चले जाएं, ये तो बेचारे ऐसे माजूर हैं, इनको मैं समझा देता हूँ। उसने कहा जी जगह क्या छोड़ें, बाप दादा का घर कौन छोड़ते हैं, हमारा बाप दादा का घर है, ये तो अभी के मकीन हैं, हमारी तो अल्लाह ने उम्रें ज़्यादा रखी हैं, हमारे बाप दादा के घर हैं, हम कैसे छोड़ें। तो इनको आप ही कह दें, ये आपकी मानते हैं, आप कह दें। और ये वहाँ गंदगी, गिलाजत और मौसीकी, इसको छोड़ दें। तो मैंने कहा जी मैं अर्ज़ करूँगा इंशाल्लाह। और मैंने कहा कोई चीज़ आपको मतलूब हो तो मैं इनको अर्ज़ कर देता हूँ। कहने लगे बस अगर ये हमें, हमारा प्यार चाहते हैं और हम इनकी हर मामले में मदद करेंगे, हम इनका साथ देंगे, कसरत से दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अच्छा एक चीज़ वजाहत कर दूँ, वो जिन मेरे किताबें तो था ही नहीं, ना मैंने उसको किसी अपने अमल से मुसख़र किया। देखो मैं आपको वाज़े बातें कर रहा हूँ, ना मैंने कोई अपनी ताकत से उस जिन को बुलाया, वो तो दरूद इब्राहिमी उसको मैंने बताया, मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो कोई चूड़े खबीस जिन्नात नहीं। उसने दरूद इब्राहिमी पढ़ा, उसने कहा मुझे हमें साथ ले चलो, वो आ गया, उसके ऊपर जिन की कैफियत हुई, जिन और उसके अंदर आया, अब वो मुझसे बात कर रहा, वो मुझसे बात कर। तो मैंने उनसे अर्ज किया कि आपने दरूद इब्राहिम ही क्यों बताया, और ये मैंने जानबूझ के पूछा कि इससे उगलवाऊं कि क्या इसके पास कोई दरूद इब्राहिम ही क्यों, कोई बरकात खवास, आपने दरूद इब्राहिम ही क्यों इसको कहा, और वज़ाइफ तस्बीहात में। कहने लगे सारे वज़ाइफ तस्बीहात करें, लेकिन दरूद इब्राहिमी की जो नस्बतें हैं, सात समंदर के नीचे से हैं और सात आसमानों के ऊपर से हैं, और ये तासीर किसी दरूद में नहीं है। फिर अगली बात कही, हमारी जिन्नात ज़मीनों के नीचे भी सात समंदरों के नीचे रहते हैं, जब कोई बंदा दरूद इब्राहिमी पढ़ता है और पूरी दुनिया में कोई जिन दरूद इब्राहिमी पढ़ रहा होता है और वो करोड़ों पढ़ता है, इंसान एक दफ़ा पढ़ता है, उसे सारे करोड़ों पढ़नों का सवाब उसी वक्त मिल जाता है। और हमें दरूद इब्राहिमी हमारी गिज़ा है, खुशबू हमारी गिज़ा है, दूध हमारी गिज़ा है, और गिज़ाएं बताएं तो दरूद इब्राहिमी हमारी गिज़ा है। जो शख्स दरूद इब्राहिमी पढ़ता है, हमें उस पर तरस आता है उस वक्त जब कोई उस पर जुल्म करता है, इंसान या जिन, फिर उसकी मदद करते हैं और अल्लाह का हुक्म हमारे साथ होता है। अल्लाह के हुक्म के बगैर हम किसी की मदद नहीं कर सकते। तो इन्हें कहीं ये इनके घर के मसाल, झगड़े, उलझने, बीमारियां थीं, तकलीफें थीं, मुश्किलात थे, नाकामियां, परेशानियां, औलाद के मसाइल, बे औलादी, जो उनके ख़ानदानी, अरे सब मसाइल के लिए इनसे कहें ये दरूद इब्राहिमी कसरत से पढ़ें, और दरूद इब्राहिमी के कसरत के पढ़ने से हम इनके घर को परेशान इनको करना छोड़ देंगे। ये परेशान, इन पर कोई जादू नहीं है, कोई जन्नत नहीं, लग गया घर में ये इतने ले आए आमिल और हम सबको देख के हंसते थे,
ये क्या कर रहे हैं तमाशा। कहने लगे जिस दिन ये आपके पास आए, कहने लगे हमने कहा हाँ अब कोई हल निकल आएगा, और हल निकल आया। क्या आपने इन्हें अमाल की तरफ जोड़ा और ये कहा कि नहीं उन हजरात को तकलीफ पहुंच रही, और वाकई हमें तकलीफ पहुंचती है, हमारे अमाल में ये खलल डालते हैं, तस्बीहात में खलल डालते हैं, हमें परेशान करते हैं। मेरी नानी अम्मा का मुझे वाकया याद आया। उस कमरे में, वो कमरा अब टूट गया, उस कमरे में मैं जाता था तो कहते थे पुत्र, बच्चे होते थे ना, कह लें वहां जाके गैस ना निकालना, रिया खारिज ना करना, बच्चे होते थे ना छोटे छोटे, हम बस जाओ और आ जाओ। हम कहते थे नानी अम्मा पता नहीं क्या कहती हैं। वो मकान साथ बिक रहा था, उसकी दीवार तोड़ी, वो भी शामिल कर लिया, जैसे साथ मकान बिकता था वो शामिल कर लिया। अब उस मकान में पहले होते थे घरों के अंदर कमरों में, अब भी देहातों में शेड होते हैं जिसमें बर्तन लगा के रखते हैं, सफील कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, अंगीठी या क्या कहते हैं, पुराना नाम बताएं मुझे, सफील, चलो जो भी है, ऐसे टाइल लगा के ना कमरों में होती थी, अब भी गांव में देहातों में है, उस पे बर्तन लगा के रखते हैं खूबसूरती के लिए। तो नानी अम्मा फरमाती थी कि उस सफील से बर्तन गिरा नीचे ठा हुआ, और जैसे ना तांबे का बर्तन पीतल का बर्तन गिरे और गिरने के बाद उसकी आवाज थोड़ी आते 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 फिर आहिस्ता आहिस्ता हो जाती है, ऐसे गिरा। हम देख रहे हैं बर्तन गिरा, वो दूसरा गिरा, तीसरा गिरा, चौथा गिरा, पांचवा गिरा, ठा, उन्हें कहा ये बर्तन टूट गया, देखा तो अंदर कुछ भी नहीं, बर्तन तो वैसे लगे हुए। फिर कहने लगे बाज़ोकत मैं नमाज पढ़ रही होती थी और नमाज पढ़ते पढ़ते ना मुझे उठा के नीचे गिरा देते थे, इस तरह की चीजें थी। हमने पता किया, पता चला जो पहलू ने बेचा इसी वजह से बेचा, मैं बताया नहीं था, उनकी जिंदगी उन्होंने अजीरन की हुई थी, पहलू ने भी इस वजह से बेचा था। अब क्या करें, तो मेरी नानी अम्मा के एक मुझे याद है, एक बाबा जी होते थे, नानी अम्मा के मुर्शिद थे, कोई चीज हदिया वगैरह में देने जाता था, जिंदन शाह साहब, वो उनको ले आए, बड़े अल्लाह वाले खुदा रसीदा, मुझे अब याद आता है कि पीर तो वो होते थे, पीर तो वो होते थे। तो वो एक ना एक गांव में एक बंदे के घर पीर आया, वो बंदा जो है गया हुआ था, नहीं शादी हो के आई ना, तो उसने कहा देख बात सुन, मेरा पीर आता है घर में 2 हफ्ते 3 हफ्ते रहता है, फिर पीर के मुरीद भी होते हैं, तूने किसी से ना पर्दा करना है, बस तू उनकी लौंडी है, गुलाम है। उसने कहा देख ये मुनासिब नहीं, वो कोई माई कुछ अल्लाह वालों इल्म का अल्लाह वाला इल्म रखती थी। उसने कहा नहीं वरना मैं तुझे अभी तलाक दे दूंगा। उसने कहा ठीक है। उसने कहा तो अभी तलाक देता है, कोई देहाती आदमी बेचारा जाहिल है। वो घास लेने गया हुआ था, कोई पीर साहब आ गए, पीर साहब आ गए। उसने कहा मरहबा पीर साहब। तो उन्हें वो कहाँ गया? उसने कहा जी बस मैंने आपको तलाश करना था कि वो जो है पागल हो गया है, और जो उसके सामने आए उसको ये रंगीन जो डंडा पड़ा है ना ये उठा के सर पे मारता है, जख्मी कर देता है, बर्बाद कर देता है, बस बहुत परेशानी है। आप आए हैं तो आप आए, मैं आपका इंतज़ाम करती हूँ उठने बैठने का। उसे खौफ हुआ कि अगर मैं आया तो कहीं मेरे ऊपर न बर्फ है, पागल हो गया। उसने जो ज़हनी पागलपन का उसका नक्शा खींचा ना माई ने, बड़ा सबक नक्शा खींचा, मैंने तो 2-3 अल्फाज कहे, इधर ये निकला उधर शोहर आ गया। उसने कहा पीर साहब आए थे। ओ पीर साहब, कहने लगे पीर साहब कहते ये डंडा मुझे दो, बड़ा खूबसूरत डंडा है। पीर साहब ने अच्छा, और डंडा लेके पीछे भागा। पीर ने आया, समझ गए
चलो शुक्र है नींद तो खुल गई। उसने कहा पीर साहब आए थे। सुभान अल्लाह। फिर उन्होंने कहा जी आप तो मेरे शौहर, ये देखें चारपाइयों, ये निज़ाम मैंने निकाला। पीर साहब को जल्दी थी और ये इसी तरफ गए हैं, और लेकिन एक है उनकी ख्वाहिश थी, ये खूबसूरत जो डंडा पड़ा है ना, ये रंगीन डंडे होते हैं ना, रंगीन जिसमें रंग दिए हुए होते हैं, जैसे रंगीन पाए होते हैं चारपाइयों के डंडा, उन्होंने मोला तो उसने कहा पड़ा है। उसने कहा वो लेके ना पीछे भागा, मेरा मुर्शिद आया, तो मुर्शिद खाली चला गया मेरे दर से, और एक ओ पीछे भागा, ओ मुर्शिद, ओ मुर्शिद डंडा, उन्हें को घोड़ियां और भगाई, उन्हें को आया डंडा लेके, अब और भागे, ओ मुर्शिद सखी शायद जाओ, ओ सरकार ये डंडा लेते जाओ मेरा। उसके बाद पीर ने मुंह ही ना किया जान छूट गई, भला हुआ मेरी घाघर टूटी, मैं तो पनिया भरन से छूटी, मेरे सर से टली भला। तो क्या बात कर रहा था, तो नानी माँ के वो पीर साहब आए ना, बड़े दुर्वेश फकीर थे, तो बाबा जी थे, मुझे याद है उनके पास नसवार होती थी, नाक में देते थे पहले बूढ़े लोग ना, उसको नास कहते थे, नासें बंद हो जाती थी, डिबिया होती थी, यूं करते थे डिबिया पे ऐसे वाले हाथ मारते थे, ऐसे हाथ मार के ना फिर खोले ऐसे करके फिर जाते थे। उन्होंने हैं उन्होंने ना ऐसे देखा, कहने लगे भले मानसो, उनका तकिया कलाम था भले मानसो, और भले मानसो ये तो नेक लोग यहाँ रहते हैं, तुमसे कोई गलती हुई है। उन्होंने कहा जी हमसे तो नहीं, पिछलों से वो योगी, हमने ऐसे मकान लिया ऐसे करें। हाँ कहले वो क्या थे कौन थे, पता चला कि उनके घर में कोई पीर साहब आते थे, वहां भी कोई पीर की कहानी थी, और उनके आने से घर में ढोलक बजती, धमाल होता, घुंघरू होते, जिन्नात को आग लगती, थे अल्लाह वाले मिजाज के, और फिर वो घर में उनको धमाल खिलाते, बीमारियों के नाम पे, मुसीबतों के नाम पे, तकलीफों के नाम पे, मसाइल मुश्किलात के नाम। उन्हें कहा अच्छा अच्छा ठीक है, उन्हें कहा कुछ ना करो, कोई तवीज़ जलाने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की, बस दुरूद इब्राहिम ही पढ़ो, और दुरूद इब्राहिम पढ़ पढ़ के इनको हदिया दो कि ये हमारी तरफ से जिन्नात को कहो आपको हदिया है। बस वो कमरा, मैं उस कमरे में बाद में कई दफ़ा सोया, कभी एहसास नहीं हुआ, वरना वो कहते थे यहाँ सोने नहीं देते थे, और यहाँ चारपाइयाँ उलट देना, बर्तनों का गिरना वगैरह सब खत्म दुरूद इब्राहिमी की बरकत से। दुरूद इब्राहिमी में नूर है, बरकत है, रहमत है, और दुरूद इब्राहिमी कबूलियत का मदार है। जिस अमल से पहले बाद में दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए उस अमल में कबूलियत है, और वो अमल कबूल होता है और अमल महबूब होता है। इसके तो बहुत ज़बरदस्त फ़वाद हैं। आपने सवाल ही रमज़ान में करते, चलो कुछ जुमेरात में करते, दो ढाई घंटे तीन घंटे हो जाती, कहानी चलती। सवाल ही रमज़ान में किया कि जो दुरूद इब्राहिमी के रात आपने सवाल किया कि जो दुरूद इब्राहिमी के आप फ़ायदे बताएं, तो मैंने इस वादा किया था कि सुबह अर्ज़ करूँगा आपकी खिदमत में। इसका तो अनोखे वाक़ आता है मेरे पास। मैं रात तकरीबन एक बजे के बाद कोई ऐसे थोड़ा सा लेटा, फिर थोड़ी देर के बाद उठ बैठा, वो लेटना ही क्या था, वो दुरूद इब्राहिमी मेरे दिमाग में घूमता रहा, दुरूद इब्राहिमी में घूमता रहा। बहुत बाबरकत वजीफा है, वजीफा है ये वजीफा, नेक लोगों, नेक दोस्तों को करीब करता है और बुरे दोस्तों को दूर करता है, वो दोस्त इंसानों की शक्ल में हो या जिन्नात की शक्ल में हो, और वो दोस्त फरिश्तों की शक्ल में हो, फरिश्ते दोस्त बन जाते हैं, करीब आते हैं और साथ देते हैं, मुआवनत करते हैं, अल्लाह के अमर से और साथी बनते हैं, हिफाजत का निज़ाम, गैबी निज़ाम मुतवज्जह होता है,
इस दरूद पाक के पढ़ने वाले के साथ। और ये वो दरूद पाक तो है जो नमाज का हिस्सा है और मकबूल व महबूब दरूद है। इसके अंदर हिफाजत भी है, किफ़ायत भी है, किफालत भी है और गैबी मदद भी है। इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी कभी तो इसके कमालात अर्ज करूँगा। अजब इसके कमालात, अजब इसके कमालात। मेरे ख्याल में यह भी इसी के कमाल में होगा शायद कि वो कहने लगे, पीर साहब आए थे, वो कहने लगे ये डंडा मुझे दे दें, ये भी इसका कमाल होगा। अल्लाह पाक जल्ला शानहु हमें ऐसे पीर अता फरमाए जो शरीयत की राहें दिखाएं, जो मदीने वाले के रास्ते दिखाएं। अल्लाह मुझे भी उन पीरों में बनाए, जैसे मैंने रात अर्ज किया था, मेरी नियत और मेरी सेहत के लिए दुआ करते रहा कर, नियत को पहले कहा था। और आपके सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड के अंदर नियत पढ़ लो, लिखा हुआ है सामने देखे मेरे, मरकज़ रूहानियत अमन, रूहानियत, समझ गए, लिखा है रूह और नियत, यानी नियत ठीक होगी तो फिर रूह की दुनिया आबाद व शाद होगी, अगर नियत में खोट है फिर रूह की दुनिया रूहानियत, ये नियत लिखा होगा। तो दुआ करें अल्लाह मेरी नियत और सेहत ठीक रखे। और अब बैठ के अल्लाह का नाम, अल्लाह के यकीन, अल्लाह के ध्यान, अल्लाह के दर्द के साथ करेंगे और बहुत तवज्जो से और बहुत ध्यान से, ऐसा यकीन ऐसा दर्द कि बस अल्लाह को तरस आ जाए। और फिर बैठ के मुराकबा करेंगे और अल्लाह के यकीन और अल्लाह की ज़ात के इस्तेहजार तवज्जो ध्यान के साथ कि अर्श इलाही से नूर मेरे दिल पे आ रहा और मेरा दिल अल्लाह 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 कह रहा। अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह
अल्लाह अल्लाह نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وعترته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وعبقري حساب.